इंतज़ार कर रहे हैं कि पवन सिंह कुछ बोलें। पवन सिंह कुछ तो इस विवाद के बारे में कहें जो अक्षरा आए दिन उन पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। लोग चाह रहे हैं लेकिन पवन सिंह हैं कि मुंह खोलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। खैर, आज हम कुछ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। कुछ रोशनी इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें तो सही लगती हैं। सही ये लगती हैं कि जब अक्षरा सिंह ये कहती हैं कि पवन सिंह को उन्होंने जितना झेला है उतना किसी ने नहीं, तो बात एकदम 100% सही लगती है। वो आप उनके पुराने स्टेज शो उठाकर देख लीजिए तो भी लगेगा। दूसरी बात, अगर वो कहती हैं पवन सिंह नशे में एकदम धुत हो जाया करते हैं, वो भी सही लगती है। कई ऐसे मौके या यूं कह लें इंडस्ट्री के कई ऐसे लोग हैं जिनसे उन्हें हरेस किया जा रहा है, अब वो उनकी लाइफ में नहीं रहना चाहती, ये भी बात सही लगती है। क्योंकि भाई, औरत कितना झूठ कह सकती है। ये सारी बातें अक्षरा सिंह की 100% सच लगती है। और ये भी कहती हैं कि अगर पवन सिंह ने उन्हें धोखा दिया है तो ये बात भी सही लगती है। कई मर्तबा कई स्टेज शो पर अक्षरा सिंह को अपनी होने वाली पत्नी और अपने ऑडियंस से उनका इंट्रोड्यूस इस तरह कराते थे कि ये उनकी भाभी है, ये भी सच लगता है। क्योंकि इन सब चीजों के कई सबूत भी मिलते हैं, ये सारी बातें झूठी नहीं लगती। फिर अक्षरा सिंह के कुछ और संगीन आरोप आते हैं। आरोप ये आते हैं कि पवन और ज्योति सिंह के शादी के दिन अक्षरा सिंह को कैद करके कमरे में रखा गया था। इसकी पुष्टि अक्षरा सिंह कर सकती हैं क्योंकि ये सब कुछ अक्षरा सिंह पर बीत रहा था उस वक्त। ये बात कभी मीडिया में ना आई और ना कभी किसी से सुनने को मिली। फिर अक्षरा सिंह का इससे भी बड़ा एक संगीन आरोप और आता है। आरोप आता है कि पीकर पवन सिंह उन्हें मारा भी करते हैं। इस बात की भी पुष्टि हुई है। इस बात की पुष्टि सिलवासा वाले शूट के दौरान हुई। जब माँ तुझे सलाम की शूटिंग सिलवासा में चल रही थी तब इस बात की पुष्टि हुई कि पवन सिंह ने नशे की हालत में धुत होकर अक्षरा सिंह को पीटा है। तो चलिए, ये सारी बातें अक्षरा सिंह की मान ली जाती हैं। और इस नज़र से देखा जाए तो पवन सिंह भोजपुरी के यूं कह ले कि सबसे बड़े वाले दबंग हैं जिनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। आवाज उठाया तो भाई उसका कैरियर चौपट। लेकिन अब जरा पवन सिंह के पहलू से देख लिया जाए। पवन सिंह के पहलू से इसलिए देखा जाए क्योंकि हमेशा एक पक्ष देखकर न्याय करना सही बात नहीं होती और ना ही वो न्याय होता है। अगर पवन सिंह इतने ही खराब हैं तो भोजपुरी की कई हीरोइनें उनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रही हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर पवन सिंह नशे की हालत में धुत होकर जैसा व्यवहार अक्षरा सिंह के साथ करते थे, क्या ऐसा व्यवहार वो भोजपुरी की और हीरोइनों के साथ करते हैं? तो इसके जवाब में भोजपुरी की कोई हीरोइन आज तक नहीं आई और न उसने कहा कि पवन सिंह ने सेट पर शराब पीकर उनके साथ बदतमीजी की है। फिर आते हैं पवन सिंह के व्यवहार के बारे में। जी हाँ, व्यवहार के बारे में आए भाई, अभी तक भोजपुरी की जितनी भी हीरोइनों ने कुछ कहा है, कुछ दबे लफ्जों में, कुछ अपना नाम कुछ ने जिन्हें ये परवाह नहीं है कि उनका नाम आ जाएगा, जैसे निशा दुबे, स्मृति सिन्हा, इससे उनको कोई परवाह नहीं कि उनका नाम मीडिया में या लोगों के बीच आ गया कि उन्होंने पवन सिंह के बारे में क्या कहा है। उन्होंने पवन सिंह के बारे में ये कहा है कि पवन सिंह कोऑपरेटिव है। और हाँ, ये बात पवन सिंह को लेकर सभी कहते हैं कि पवन सिंह दिलों के राजा हैं, पवन सिंह कोऑपरेटिव हैं, पवन सिंह मदद करने में सबसे ऊपर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के। ये बात भोजपुरी इंडस्ट्री में तकरीबन हर आर्टिस्ट, हर एक व्यक्ति कबूल करता है कि पवन सिंह दिलदार हैं, पवन सिंह राजाओं के राजा हैं। पवन सिंह का दिल जब किसी पर आ जाता है तो भाई उसे रंग से राजा बना देते हैं। पवन सिंह बड़े ही भोले हैं। इसकी पुष्टि तो संभावना सेठ भी कर चुकी हैं कि पवन सिंह बड़े ही दिलदार हैं। वो भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह को एक अलग दर्जा देती हैं।
ठीक उसी तरह दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी कई मर्तबा कहा है कि पवन सिंह जैसा भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं है। वो बड़े ही भोले हैं, दिल के साफ हैं, दिल में कुछ नहीं रखते हैं। वो मदद के लिए हमेशा सभी के साथ खड़े रहते हैं। फिर आते हैं आम्रपाली दुबे की तरफ। आम्रपाली दुबे ने भी कई इंटरव्यूज में पवन सिंह की बड़ाई ही की है, बुराई नहीं की है। यहाँ तक कि भोजपुरी इंडस्ट्री की ज़्यादातर हीरोइनें पवन सिंह के साथ काम करने को लेकर कंफर्टेबल हैं। लेकिन अक्षरा सिंह की एक बात और यहाँ कहनी है। वो कहती हैं कि लोग उनके दुर्व्यवहार से वाकिफ तो हैं, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कहना चाहते। आज जिस पोजीशन पे अक्षरा सिंह आई हैं, उसमें कहीं ना कहीं देन पवन सिंह की है। हाँ, टैलेंट अक्षरा सिंह में भरपूर है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। गायकी से लेकर, डांस से लेकर, बात करने की स्टाइल और यहाँ तक कि फैशन सेंस, और उस पे ऐड कर दीजिए उनकी अदाकारी, सभी कुछ मिक्सचर हैं अक्षरा सिंह। और एक सुपरस्टार के लिए और क्या चाहिए। लेकिन ये बात भी लोग मानते हैं कि आज अक्षरा सिंह अगर सुपरस्टार हैं तो उसमें हाथ पवन सिंह का है, पवन सिंह ने उन्हें निखारा है। इसकी पुष्टि तो अक्षरा सिंह भी कई स्टेज शो पर कर चुकी हैं कि गायकी के मामले में पवन सिंह उनके गुरु हैं। और गायकी असल मामले में अगर किसी ने अक्षरा सिंह को सिखाई है, या यूं कह ले कि ये जो स्टेज शो अक्षरा सिंह धड़ाधड़ कर रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं पवन सिंह की ही देन है। अब थोड़े से पवन सिंह के पहलू से बात अगर की जाए, अक्षरा सिंह जब शायद बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, खेसारी लाल यादव का कांड सभी को याद है, तब पवन सिंह इकलौते ऐसे बंदे थे जिन्होंने अक्षरा सिंह की मदद की। फिर जब खेसारी की फैन फॉलोइंग अक्षरा सिंह को टारगेट कर रही थी, तो इकलौते पवन सिंह ऐसे थे जो लाइव आकर अक्षरा सिंह के सपोर्ट में लगातार उनका सपोर्ट कर रहे थे। किसी की बेटी और बहन को इस तरह मत टारगेट कीजिए जिस तरह आप अक्षरा सिंह को टारगेट कर रहे हैं। और आज क्या पवन सिंह के पास ऐसे कई कहानियां नहीं होंगी जो अक्षरा सिंह के पास पवन सिंह की है। अक्षरा और पवन के रिलेशन को लेकर एक शायरी बड़ी याद आती है। शायरी कुछ इस तरह है कि इश्क हमने भी तुझसे उतना ही किया था, बस फर्क ये हो गया कि तू थोड़ा समझदार निकल गया और हम नादान रह गए। जितनी मर्तबा अक्षरा सिंह पवन सिंह पर तोहमत लगा रही हैं, एक बार भी पवन सिंह शायद इसलिए नहीं बोल रहे होंगे। हो सकता है कि वो अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रहे होंगे कि शायद अक्षरा अब शांत हो जाएं, शायद अक्षरा अब कुछ न कहें, क्योंकि भाई जब दो कमरे की बातें बाहर आती हैं तो छीहा लेदर ही होता है, जैसे कि पवन और अक्षरा के कुछ निजी पलों का छीहा लेदर हो रहा होगा। लेकिन अगर पवन सिंह अपने कुछ चमचों से मिलकर अक्षरा सिंह के लिए कुछ गलत करवा रहे हैं तो ये गलत है। इसका अगर विरोध अक्षरा कर रही हैं तो वो गलत भी नहीं है। वो अगर इंडस्ट्री में पवन सिंह से रिश्ता नहीं रखना चाहती, वो नहीं चाहती कि उन्हें थ्रेटन कॉल आए, वो चाहती हैं अगर कि वो आराम से काम करे, तो भाई ये काम उन्हें पवन सिंह को करने देना चाहिए, क्योंकि पवन सिंह अब शादीशुदा हैं और पवन सिंह का एक परिवार है जिसके साथ वो सुखी संपन्न अपना जीवन बिता रहे हैं। अगर इन सब मामलों को शांत करना है तो पवन सिंह को भी आना चाहिए, पवन सिंह को भी अपना मत रखना चाहिए, अपने विचार रखने चाहिए, क्योंकि इससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं पवन सिंह की गलती हो सकती है, इसलिए शायद पवन सिंह नहीं आ रहे हैं सभी के सामने। भोजपुरी जगती हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।